छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, 12 बज गए। मैं तो सोच रहा था कि नौखा के बच्चे अगर रोज इस टाइम तक जगते होंगे, आप गलत समझ रहे हैं भाई साहब, मेरा मतलब है सुबह स्कूल जाने में परेशान करते हो। बच्चा एक मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के कहीं मेरे बेटा कुछ पढ़ा लिखा का, बाप पे कहां से गया, बाप 11 साल पढ़ा था। सरदार को जितने चुटकुले सब सरदारों पे पढ़े जाते हैं, कभी आपने सोचा है क्यों? अरे ये देश विचित्र है, देख लो आप। पहला प्रधानमंत्री बोलता नहीं था, ये वाला चुप नहीं होता है। भाषण दूंगा इस पे भी भाषण, उस पे भी भाषण, मेरी तो सरदारनी कह रही थी क्यों जी ये करवा चौथ पे भी भाषण देगा क्या? पूरे देश में शौचालय बनाएंगे, अब कुछ बनाइए बचाने के लिए। फिर वहां गए जम्मू कश्मीर, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो क्यों भाई, जब तुम खाओगे नहीं और खाने भी नहीं दोगे तो शौचालय बनवाने की जरूरत क्या है? एक नई चीज सुनाता हूं, सुनना। नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी मैंने वहां से हंस निकाला, सुनना। एक बार तालियां बजाओ मस्ती में, मुझे पीछे तक पता लगेगा आप पूरी मस्ती में आ गए। नोटबंदी हुई थी, उन्होंने नोटबंदी तो इसलिए की कि काला धन बाहर आ जाएगा, काले धन वाले कुछ और ही कर रहे थे। आपने देखा होगा अखबारों में पढ़ा होगा कि काले धन वालों ने इतना सोना खरीदा कि सोने के स्टोरों में सोना खत्म हो गया था, ये हेडलाइन लगी थी। अच्छा, मोदी को ये पता लग रहा था कि लोग क्या कर रहे हैं। वो आ जाता था भाई, शाम को आता था 8 बजे। ने मित्रों, आदमी साला अपने घर में बैठा हुआ डरता था कि भाई आज और क्या लेने आ गया। सच बता रहा हूं, पीछे तक मजा, बैठ भाई, ओए भाई, दोनों बैठो 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 बैठो, दोनों तू भी बैठ, लाल वाले बैठ नीचे। तनहा छोड़ के चले जाओगे? अच्छा, वो शाम को भगवान के साथ मैंने ऐसे सीन देखे हैं, जैसे ही शाम 8 बजे आते थे मोदी मित्रों, तो आदमी एक हाथ दिल पे और एक पॉकेट पे रख लेता कि आज लूटे। अच्छा सही बताना, मुझे सही बताना ईमानदारी है, आपने 2000 का नोट देखा है? देखा है 2000 का नोट? देखा ना, अब ईमानदारी से बताना, जैसा मोदी जी का व्यक्तित्व है ऐसे 2000 के नोट का नहीं है। थोड़ा ऐसा लगता है चूरन की बैंक जैसा। सर मेरे घर में झगड़ा हो गया, सरदारनी बोली तू लॉटरी खेलने लगा है क्या? मैं तेरा मतलब क्या है? बोले तेरी जेब में 2 लॉटरी के टिकट निकले हैं। मैं कहा फिर? बोले मैंने फाड़ दिए। अब क्या हुआ कर मोदी जी रोज नेम बदल के क्या है, कैसे जा रहा है इसको देख, कैसे पकड़ रखी है इसने। बोतल का तरीका होता है पकड़ने का, मैं बता रहा हूं। अगर ऐसे पकड़ रखी है तो पिएगा। मैं ऑब्जर्व करता हूं यहां। परसों पल्ले दिन नकवी जी आ गए थे मेरे सामने, केंद्रीय मंत्री, अभी 3 दिन से घर दफ्तर नहीं गए। हाँ हाँ, तो क्या है कि वो अब जो मोदी जी रोज नेम बदल के आ रहे थे, गुरु मैंने देखो कहां से हंसी निकाली है, ठाका लेना, जो सोना खरीद लाए वो पड़े परेशान कि गुरु भाई ये तो 8 बजे आ जाता है रोज नेम बदल के, कहीं ऐसा नहीं हो किसी रात को आए। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद सोना लोहा माना जाएगा, जाओ खरीद लाओ सोना। अच्छा कुछ तो इस गुंताड़े में थे कि गुरु इनने अपनी तो छोड़ रखी है। ये भी हो सकता है कि किसी शाम को आए कहते मित्रों आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी पत्नी का टेंडर समाप्त होता है।
कल किसी भी केंद्र पर जाके पुरानी को नई में बदलवा लें। सबसे बड़ा नुकसान मेरा हुआ, सबसे बड़ा नुकसान। ताऊ सेका बाटी आए नारायण जी, भरपाई आपको करनी है, सबसे बड़ा नुकसान मेरा हुआ है। जब पैसे नहीं मिल रहे थे खर्चे के लिए, तो मोदी जी ने एक ऐलान किया था कि जितना आप जमा करोगे उसका 50% वापस होगा, 50%। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं कहा गुरु सरदारनी 45 की है, एक 22.5 की तो अब मिलेगी और एक 22.5 की तब। लेकिन दोस्तों पानी फिर गया मेरे सब इस पर, क्योंकि ये बैठे हैं ना हरिओम जी, ये बहुत होशियार हैं। इनने कहा बेटे खुश मत हो, 50% पे 22.5 की अब मिलेगी और 22.5 की तब। मैं कही क्यों? बोले मोदी ने नोट कितने का बंद किया? मैं कहा 1000 का। चलाया कितने का? 2000 का। तू साले 45 की लेके गया और उसने 90 की पकड़ा दी। तो बेटा सेवा ही करते रहना। आओ बुद्धि प्रकाश, बुद्धि कहता मैं बुद्ध प्रकाश हूं, ये सरदार है, बैठो आसन पर, तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेने। बुद्धि बुद्ध अपने को बुद्ध प्रकाश कहते, कितना दिमाग है तेरे अंदर? नहीं, कितना दिमाग है तेरे अंदर? तेरे अंदर टोटल जितना दिमाग है ना, उतना तो मेरा खराब रहता है। संस्कृत पढ़ा, क्या जन्मदिन है, माफ किया। तेरे से पहले यहां और भी विद्वान हुए हैं। सिंहो व्याकरण करतुर हरतुन प्राणान प्रिय पाणिनी। क्या बात है, पाणिनी का नाम सुना है? संस्कृत व्याकरण के रचयिता थे, उनको शेर खा गया था, वो भी विद्वान थे, तो वो भी विद्वान है। और भी हुए हैं विद्वान यहां है? इसके लिए शेर, ये नहीं, शेर नाश्ता तो कर ही लेगा कम से कम। और भी विद्वान हुए हैं यहां, मैंने लिख लिए थे इसमें। मैंने कैसा लिखा है, गिर रहा है, ट्रेन का टाइम टेबल होगा है? नहीं, दूसरे विद्वान हुए हैं। मीमांसा कृत मन्ममाथ सहसा हस्ते मुनिम जैमिनी। कर्म कांड मीमांसा के रचयिता मुनि जैमिनी, उनको हाथी ने मार दिया था, ये भी विद्वान है। और भी हुए हैं विद्वानिया। छंदो ज्ञान निधिम जघान मकरे बेला तटे मुनि पिंगलम। छंद शास्त्र के रचयिता बेला नदी के तट पर मुनि पिंगल को मगरमच्छ खा गया था। चौथा विद्वान ये, संभल के जाना बाहर सांड घूम रहा था। वो बच्चा छूट गया मेरे हाथ से, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के कही, मैं बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर। कहता पापा जब सारे पढ़े लिखे जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा कि नहीं? मैं कहा सारे सरदार सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, देख ले इतना पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया, जितना अपना सरदार है। कहता क्या खाक पढ़ा लिखा था, मैडम की बात मानता था। ओ मैं कहा मैडम की बात तो ये सारे ही सरदार मानते हैं, घर में किसी की नहीं चलती है। एक हिंदू माइथोलॉजी से टिप्पणी करता हूं, समझ में आ जाए तो मुझे पीछे तक तालियों से बताना। ये मुझसे बोला बुद्ध प्रकाश, क्यों सरदार जी तुम बाहर तो बड़े शेर बने रहते हो, घर में जाके म्याऊं हो जाते हो। अम्मा का शेर तो मैं घर में भी रहता हूं, पर वहां माता सवार हो जाती है। मैंने बेटे से कहा, मैंने कहा बेटे भाइयों में उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात के 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे देने लग गया। मैं कहा साले तू क्या कर रहा है? कहता तू ही तो कह रहा था कि मेरा सिर ऊंचा कर।
मैं कहा बेटा ऐसे नहीं, पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसा करे जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। सुबह तड़के आ गया, बोले पापा आज मेरे स्कूल में एनसीसी वाले अफसर ने आना लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दे। मैंने कहा बेटा एनसीसी वाले अफसर तो रिटायर मिलिट्री अफसर होते हैं, देशभक्ति की बात ज्यादा करते हैं, तेरे से ये भी पूछ सकते हैं देश आजाद कब हुआ था, तो तू बता देना सन 1942 में तैयारी सी होने लग गई थी और 47 में हो गया था, और ज्यादा से ज्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि इसमें योगदान किसका किसका था, तो तू बता देना। वैसे सारी पब्लिक का ही योगदान था, पर नेहरू गांधी चंद्रशेखर भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज्यादा था, पर भाई जी वो तो बेड़ा गर्क कर आया। दरअसल उस अफसर ने उसे सवाल ही कुछ और पूछ लिया, नुको बेटे तेरा जन्म कब हुआ था, कहता जी सन 1942 में तो तैयारी सी होने और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका किसका था, तो वैसे तो सारी पब्लिक का ही योगदान था, पर नेहरू एक कांग्रेसी नेताओं का सबसे ज्यादा था। ओ मैं फिटे मुंह तेरे, तू जिनकी बात करता है, मैं पता भगत सिंह जी जब तेरी उम्र के थे क्लास के मॉनिटर बन गए थे, तू साले बन सकता है, कहता पापा मेरी उम्र के तो क्लास के मॉनिटर बन गए थे, पर जब तेरी उम्र के थे ना तो फांसी पर चढ़ गए थे, हमेशा उल्टी पुल्टी बात करता है। एक दिन क्लास में शोर हो रहा, मास्टर ने खड़े होके कहा कौन उल्लू का पट्टा है खड़ा हो जाए, तो मेरा बेटा ही खड़ा हो गया। मास्टर ने कहा तू उल्लू का पट्टा है, कहता नहीं जी आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लग रहे थे। सुनाता हूं मैं, दरअसल क्या है कि दोस्तों हमारा देश बड़ा विचित्र है, कहीं से कोई बात निकलती है और कहीं पे चली जाती है। भैया तू नीचे बैठ जा, हाँ बच्चों को आगे करके। अब एक बार और बता दे, जमीन पे बैठ के तैने बंद कर दिया है ना, सही बता दे। नहीं मुझे पता है लोगों को आदत हो जाती है तो जाती नहीं है, नहीं आदत हो जाती है लोगों को भाई साहब जाती नहीं, और आदमी को आदत हो जाए तो जिस हरकत को वो दिन में करता है उसे सोते सोते भी रात को करता है। सही में मेरे पड़ोस में एक रामलाल जी रहते हैं, रामलाल जी ईश्वर जी, अच्छा ईश्वर जी को ध्यान से देखो, ऐसा नहीं लगता कि भाभी ने ताला लगा के भेजा है। जिस हरकत को दिन में करता है वो रात में भी करता है। मेरे पड़ोस में रामलाल जी रहते हैं, उनकी कपड़े की दुकान है, एक रात को सोते सोते एक मीटर दो मीटर तीन मीटर घरवाली ने एक दिया कान के नीचे, तेरी दुकान का कपड़ा नहीं तेरी मेरी साड़ी फाड़ दी। आदमी की आदत हो जाए जाती नहीं। ये पुलिस वाले जो दिन में वो रात में, रात को सोते सोते पुलिस वाला लगा साइड में, आजा साइड में, चल साइड में, घरवाली ने एक दिया पीछे से, मैं तो कब से साइड में हूं तू ही पार्किंग में घुसा चला आ रहा है। ये माइक वाला जो दिन में वो रात में सोते सोते माइक वाला लगा हुआ, हेलो चेक हेलो चेक, घरवाली ने हेक दिया पीछे से, चेक ही करता रह गया का प्रोग्राम भी शुरू करे। जी हाँ वीर जी, यही लोकानंद है, इसी के लिए कवि सम्मेलन होता है। मंच को प्रणाम करता हूं और आदरणीय डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी को विशेष प्रणाम करता हूं कि एक अच्छे कवि सम्मेलन के लिए उन्होंने आज हम सभी को बुलाया है, अच्छे के लिए बुलाया है। आप कितना अच्छा दे पाते हैं आप उसके लिए जजमेंट देंगे। तो मैं आपसे कहूंगा प्यार लौटाने के लिए, प्यार लौटाया जाता है तालियां बजाकर, ठीक, कि प्यार ही प्यार लुटाओ तो मजा आएगा, वाह,
प्यार ही प्यार लुटाओ तो मजा आएगा, और थोड़ा हमको भी निभाओ तो मजा आएगा। तालियां नहीं बज रही कि थोड़ा हमको भी निभाओ तो मजा आएगा। और कुर्सियां क्या है, कुर्सियां क्या है, लकड़ियों के चंद टुकड़े हैं, अपनी पलकों पे बिठाओ तो मजा आएगा। वाह वाह, अपनी पलकों पे बिठाओ तो मजा आएगा। और ये मंच है भगवान महावीर जी का, चार पंक्तियां मैं पहले उनके स्मरण में दूंगा, फिर उसके बाद कविता लेंगे। देखिए, लोग बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, बनो, खूब बनो। अब बड़ा बनने के लिए ही हमें इस धरती पर प्रेरणाएं भी मिलती हैं, लेकिन ध्यान रखें कि बनो नहीं ज्यादा, बनो नहीं ज्यादा, बनने का हो इरादा, जो तो भारतीय सेना के जवान बन जाइए। वाह वाह वाह, कि बनो नहीं ज्यादा, बनने का हो इरादा, जो तो भारतीय सेना के जवान बन जाइए, और आन बान शान स्वाभिमान बन जाइए, के अन्न उपजाइए किसान बन जाइए, और छोड़ के असत्य सत्य बोलिए सदैव, सत्यवादी हरिचंद के समान बन जाइए, और महावीर स्वामी का संदेश मान लीजिए, चरित्रवान नेक इंसान बन जाइए, चरित्रवान नेक इंसान बन जाइए। तो ये बहुत अच्छी प्रेरणा है, अच्छा संदेश है, अच्छा हिंसात्मक संदेश है कि हम एक चरित्रवान बन जाएं और आगे चलें। देखिए, कोरोना के बहुत लंबे समय के बाद हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। कोरोना में कैसा बुरा हाल था वो आपने देखा था, हम तो टीवी पे देखते थे। जैसे ही पहला लॉकडाउन लगा था तो ऐसे हाथ फिराते हुए भागते थे, पुलिस के डंडे पड़ते थे। इसमें बैठे दो तीन पुलिस वाले हमारे निर्दोष जी बैठे हुए। तो ये ऐसे उस लॉकडाउन में जब अच्छी पिटाई होती थी तो बीमारी नहीं हुई थी बहुत लोगों को। एक तो पिटाई का डर था, एक कोरोना का डर था, तो घर में थे। और घर में क्या कर रहे थे आप सभी को पता है कि झाड़ू पोछा कर रहे थे सब लोग। कोई ना कह रहा हो मैं ना कर रहा था, ये झूठ बोल रहा। सब ने किया, मैंने भी किया, आज तक कर रहा हूँ। बाई भगा दी घरवाली ने, तो वो बुला नहीं रही, क्योंकि अब तो तुम सीख गए, 4,000 रुपये बच रहे हैं उसके। तो देखिए, उस समय घर पे बनाते थे रसगुल्ले, जलेबी और इमरती, और उसका फोटो खींचते थे, और फोटो खींच करके फेसबुक पे डालते थे और दिखाते थे, आज हमने देखिए जलेबी बनाई, खड़े हुए कच्चा बनियान पहन के, और दे रहे हैं हमने जलेबी बनाई, हमने रसगुल्ले बनाए, और ऐसे करके लोगों से मज़े लेते थे, चिढ़ाते थे। उन दिनों की मैं 2-4 पंक्तियाँ बताता हूँ कैसे मज़े लेते थे। स्वागत कि घर बनाते थे मिठाई का मजा लेते थे। वाह, घर बनाते थे मिठाई का मजा लेते थे, और गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे। उन दिनों नींबू बड़े सस्ते थे, अब तो आग लगा रखी है कमघतों ने। के घर बनाते थे मिठाई का मजा लेते थे, और गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे, और उब कर इनसे निकलते थे जब भी सड़कों पे, तो लॉकडाउन में पिटाई का मजा लेते थे, लॉकडाउन में पिटाई का मजा ले। बहुत अच्छे। बड़ा बुरा हाल था, घर से भेजते थे दलिया ले आओ एक पाव, हम 1 किलो सूजी लेके जाते थे। बताते नहीं थे हम कितनी लाए हैं, रजाई में जाकर टटोल के देखते थे इतनी लाए। बड़ा बुरा हाल था कि लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, और गर्म बोतल से सिकाई का मजा लेते थे, गर्म बोतल से सिकाई का मजा लेते थे,
और टूट जाती थी हड्डियां पुलिस के डंडों से, तो ऑनलाइन ही दवाई का मजा लेते। वाह वाह वाह, ये थे जिंदगी के बड़े आनंददायक दिन। अब तो फिर दोबारा से दाल ला, दलिया ला, लहंगा ला, फरिया ला, भाग रहा है आदमी। पहले घर में बैठा था, मस्त टेंशन फ्री था, तो अब टेंशन फ्री ना रहे, काम करते रहें, लगे रहें और अपने जीवन को आराम से जीते रहें, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए हंसना बहुत जरूरी है। मुझे एक कहानी याद आ रही है, एक घटना छोटी सी, वो बता दूं अगर आप आदेश करें। जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी, उसका नाम था राम दुलारी। राम दुलारी को चिढ़ाते थे हम लोग, राम दुलारी सबकी प्यारी। और क्यों? उसकी चोटी बहुत लंबी थी, पैरों पे ऐसे ऐसे लहराती थी जैसे नागिन सी लहराती। और उन दिनों एक गाना चला था, जैन साहब हमारी दुकान दो साल से बंद पड़ी है। उस समय एक गाना चला था, उसको गाने को गा के और चुड़ाते थे कि चाल में ठुमका, कान में झुमका, कमर पे चोटी लटके। तो राम दुलारी गाली देती थी, मरेगा कम खत, तेरी माँ ना है, तेरी बहन ना है, तुम मरेगा तेरे बाप से कम जाके शिकायत। और हम डर के मारे पिताजी के पास दो दो दिन तक नहीं जाते थे, कहीं शिकायत ना कर गई हो। एक दिन मिल गई मुझे एक मंदिर की लाइन में, और मेरे आ गई, खड़ी थी बिल्कुल लंबी चोटी, वही सफेद रंग हो गया था उसका। 48 साल बाद मिली साहब, मैं 65 का हूँ, वो 63 की थी। 48 साल बाद मिली तो मुझे लगा कि वही, फिर मुझे लगा कोई और हो सकता है, कहीं मैंने बात करी तो कहीं पिटाई ना हो जाए। फिर मैंने ऐसे थोड़ा सा आज गर्दन घुमा करके देखा तो पहली नज़र में ऐसी लगी जैसे रानू मंडल जो गाना गाती थी, आजकल हीरोइन बन गई। तो लेकिन वो नहीं थी, दोबारा देखा फिर भी नहीं हुई वो पहचान में आई। फिर तीसरी बार मैंने सोचा वही वाला गाना धीरे से गा कर देखता हूँ, अगर बात बन गई तो मैं बात कर लूँगा और राम दुलारी कैसी हो। तो मैंने धीरे से गाया, चाल में ठुमका, कान में झुमका, वो एकदम पलट के देखा, वो मैंने की ये तो राम दुलारी है। मैंने एकदम गर्दन पीछे करी, मैंने की कहीं और कोई दूसरी राम दुलारी हुई, पिटाई ना हो जाए। आगे की मार से बच गया भाई साहब, पीछे की मार बड़ी तगड़ी पड़ी। अपनी पत्नी को घर छोड़ के आया था, वो पीछे पता नहीं कहाँ से आ गई, और उधर से गालियां शुरू हो गई, तुम्हारा नाच जाए, तुमने बुढ़ियों को देख देख के गाना गा रहे हो या पूजा करने आए हो। और मेरी हवा निकल गई साहब, मैंने एकदम यू टर्न मारा, यू टर्न। और वो कहा मैंने कि मैंने तो अब भजन गा रहा हूँ, तुझे कहाँ से लग रहा है गाने गा रहा हूँ? बोले मैं भजन 40 साल से सुन रही हूँ तुम्हारे, तो बोले दोबारा सुनाओ। मैंने वो सुनाया था, मैंने थाली पकड़ाई उसको, आंख बंद करी मैंने और भजन मैंने उसके सामने गाना शुरू किया। आप सुनिए कि चाल में ठुमका, कान में झुमका, कमर पे चोटी लटके, ओ मैया कमर पे चोटी लटके। भाई तालियां तो बजा दो। हो गया दिल का पुरजा पुरजा, लगे 50 झटके। जय जगदीश हरे स्वामी। बोली इतनी अच्छी आरती लिखी है तुमने माता की। मैंने की माता की ना, दादी की है जो खड़ी है सामने। राम दुलारी बोली जाकी बुद्धि खराब हैगी, अभी तक ये बुड्ढा होगा फिर भी ये मानता नहीं है उदमबाजी करे। हमारे तुरंत जी ने लिखा है हास्य रस का विलाप गीत, तो पहली बार आए हैं इस मंच पर, एक बार मैं आग्रह करूंगा जरा आप भी तालियां बजा दीजिएगा, एक अद्भुत प्रयोग वो सुना दीजिएगा आप। चलिए सब देखिए, हंस हंस के हंसाना तो सबके सबको आता है, रो रो के हंसाना, रो रो के हंसाया करते हैं और अपने जाल में फंसाया करते हैं। देखिए आपने अपनी लाइफ में देखा होगा, जब कोई आदमी फिसल जाए कीचड़ में तो लोग बड़े हंसते हैं, दुखों पे हंसते हैं दूसरों के पे, और सुख पे कोई नहीं हंसता। किसी को मान लो एक कार मिल गई इनाम में, एक करोड़ वाली, तो कोई नहीं हंसेगा वो इसे मिल कैसे गई। और किसी की चोरी हो गई हो तब बड़ी हंसी आएगी, अब पैसा सही रहा। तो मैं आपको एक इलेक्शन से जुड़ा हुआ एक गीत सुनाता हूँ। अभी यूपी में इलेक्शन हुए, आप देखिए सब लोग उदास मत बैठिए, आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, ये एक साल बाद आएगा
और एक साल बाद ऐसा नहीं आएगा, हजारों, ये तो हमारे अनिल अग्रवंशी जी बताएंगे, हजारों साल के बाद भी ऐसा दिन नहीं आएगा जो आज इतने सारे लोग बैठे हुए हैं इनके सामने। तो बहुत बार आए हैं ऐसे दिन, ये तो तीन तीन चार चार आठ आठ सौ साल पुराने इन्हें याद है ये लोग कैसे बैठे होते थे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप फुल आज के मस्ती में रहिए, जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए, दो घड़ी चुप से चुरा लो मुस्कराने के लिए, और जब मिले फुर्सत खुले आकाश में भर लो उड़ान, यूं तो पिंजड़ा ही बहुत है फड़फड़ाने के लिए। वाह 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 वाह। तो इसलिए यहाँ से जाकर पिंजड़ों में घुस जाना है, दाल ला दलिया ला लहंगा ला फरिया ला, उसी में लग जाना है। इसलिए आज का मजा लीजिए। देखिए इलेक्शन में हवा चलती है, अब की बार किसकी हवा चली, अब की बार किसकी आंधी आई, अब जिसकी आंधी और हवा आती है वो तो जीत जाता है, और जिनकी हवा निकल जाती है उनके घर में बुरा बुरा हाल होता है। जीतने वालों के साथ सब जुड़ जाते हैं, हारने वालों के साथ कोई नहीं जाता, उनके साथ हम जाते हैं, हम देखते हैं उनके घर में क्या हाल है। तो एक नेताजी के घर पे गए हम जो हार गए थे, उनकी पत्नी बेचारी रो रही थी, ये बहुत कमाल है, बहुत दुखी होकर रो रही थी। हमने कही बहन क्या बात हो गई, क्यों रो रही हो, क्यों उदास हो? तो उसने हमें जो कहा वो आपको बताते, बोली हरे हवा चली भैया हाय हाय, हवा चली आंधी आई फिर है गयो बंटा डार रे, मेरे पिया इलेक्शन हार गए। अरे भैया आदमी को मैंने कई बार कही तू जा पार्टी छोड़ दे, पर जाने का मेरी मानी। अरे बहु तेरे समझाए मैंने, फिर रूमाल निकाल लिया उसने ऐसे करके। अरे बहु तेरे समझाए मैंने, मोदी से मिलिया और राम राम कह कह के उनके चरणन में गिर जाओ, पिया तुम एक टिकट ले आओ। अरे नहीं माने मेरी का सुनते जे, अरे नहीं माने सीना ताने पहुंचे पप्पू के द्वार रे मेरे पिया। भाई तालियां जोरदार बजनी चाहिए, ऐसी कविता आज तक नहीं सुनी होगी आपने। अरे अभी कल परसों यूपी में एक रो रही थी अलीगढ़ में हमारे गांव के पास। अरे बहु तेरे समझाए योगी बाबा से मिले आओ, और एक बुलडोजर लेके उनको दान पुण्य कर आओ, पिया तुम एक टिकट ले आओ। अरे नहीं माने अरे मेरी का सुनते, मैं तो 40 साल से जा भोग रही हूँ। अरे नहीं माने जूता खाने पहुंचे माया के द्वार रे मेरे पिया। अरे थोड़ी सी और पिया, तेना घर बेच दियो मकान बेच दियो मेरा सत्यानाश कर दियो। एक पंजाब में रो रही थी, पंजाब में वो पंजाबी में रो रही थी। अच्छा मेरी समझ में नहीं आ रही ये क्या रो रही है, बोलने में भी समझ में ना आ रही, लेकिन मैं समझ रहा था ये क्या कह रही है। वो हिंदी में जो कह रही थी, अरे बहु तेरे समझाए केजरी लाला ते बिलिया, और खास खास के खुल खुल कर मफलर
एक टिकट ले आओ, अरे नहीं माने सिर पिटवाने पहुंचे चन्नी के द्वार रे मेरे पिया।